इकाई 8, हंसना मना है। चुटकुले। श्रवण कीजिए। एक, चूहा हाथी के पास गया और बोला, हाथी दादा, क्या आप मुझे आपकी लुंगी 2 दिन के लिए दोगे? हाथी ने बोला, तुम उसका क्या करोगे? चूहा बोला, मेरे बेटे की शादी है, उसमें तंबू लगाना है। दो, पता नहीं लोग महीनों बिना नहाए कैसे रहते हैं, मुझे तो 28वें दिन ही खुजली होने लगती है। तीन, ग्राहक, आपके पास टूथब्रश है? दुकानदार, ब्रश नहीं है, पेस्ट है। ग्राहक, अच्छा, आपके पास पाउडर होगा? दुकानदार, पाउडर नहीं है, क्रीम है। ग्राहक, क्रीम नहीं चाहिए, टॉर्च मिलेगी? दुकानदार, वह तो कल ही खत्म हो गई, मोमबत्ती है। ग्राहक, खैर, ताला तो होना ही चाहिए। दुकानदार, है, दूं? ग्राहक, जी नहीं, उसे अपनी दुकान पर लगाकर आप घर पर आराम कीजिए। चार, चुन्नू ने कहा, जहां ज्यादा बारिश होती है वहां क्या पाया जाता है? छाता। पांच, तीन दोस्त आपस में गपशप कर रहे थे। प्रश्न हुआ कि किसी दिन सोकर उठने पर हमको यह पता चले कि हम लखपति बन गए हैं तो हम क्या करेंगे? एक ने कहा, हम तो सीधे पेरिस जाएंगे और खूब मजे करेंगे। दूसरे ने कहा, मैं किसी लाभप्रद कारोबार में रुपया लगाऊंगा। तीसरा बोला, मैं तो फिर सोने की कोशिश करूंगा और तब तक सोता रहूंगा जब तक करोड़पति न बन जाऊं। छह, भूत, वर्तमान और भविष्य से तुम क्या समझते हो? जी, मेरे दादाजी भूत, मेरे पिताजी वर्तमान और मैं उनका भविष्य हूं। सात, प्रश्न, रेल किराया इतना अधिक बढ़ जाने पर भी यात्रियों की संख्या में वृद्धि हो रही है, इसका कारण बताइए। उत्तर, इसका कारण यह है कि हर एक आदमी यही सोचता है कि अगले साल किराया और बढ़ जाएगा, इसलिए अभी यात्रा ही कर ली जाए। आठ, शिक्षक ने सभी छात्रों को घास खाती हुई गाय का चित्र बनाने को कहा। सभी छात्र चित्र बना रहे थे। कल्पेश ने अपना पन्ना कोरा छोड़ दिया। शिक्षक बोले, कल्पेश, इस चित्र में घास कहाँ है? कल्पेश, घास तो गाय खा गई। शिक्षक, अच्छा, तो गाय कहाँ है? कल्पेश, वह तो घास खाकर चली गई। नौ, चुन्नू ने कहा, मम्मी से ज्यादा मुझे पापा का चाटा पसंद है। दूसरे ने कहा, क्यों? चुन्नू बोला, क्योंकि पापा प्रति चाटा 5 रुपए देते हैं। इकाई 8, हंसना मना है। चुटकुले। पठन कीजिए। एक, चूहा हाथी के पास गया और बोला, हाथी दादा, क्या आप मुझे आपकी लुंगी 2 दिन के लिए दोगे? हाथी ने बोला, तुम उसका क्या करोगे? चूहा बोला, मेरे बेटे की शादी है, उसमें तंबू लगाना है। दो, पता नहीं लोग महीनों बिना नहाए कैसे रहते हैं, मुझे तो 28वें दिन ही खुजली होने लगती है। तीन, ग्राहक, आपके पास टूथब्रश है? दुकानदार, ब्रश नहीं है, पेस्ट है। ग्राहक, अच्छा, आपके पास पाउडर होगा? दुकानदार, पाउडर नहीं है, क्रीम है। ग्राहक, क्रीम नहीं चाहिए, टॉर्च मिलेगी? दुकानदार, वह तो कल ही खत्म हो गई, मोमबत्ती है। ग्राहक, खैर, ताला तो होना ही चाहिए। दुकानदार, है, दूं? ग्राहक, जी नहीं, उसे अपनी दुकान पर लगाकर आप घर पर आराम कीजिए। चार, चुन्नू ने कहा, जहां ज्यादा बारिश होती है वहां क्या पाया जाता है? छाता। पांच,
तीन दोस्त आपस में गपशप कर रहे थे। प्रश्न हुआ कि किसी दिन सोकर उठने पर हमको यह पता चले कि हम लखपति बन गए हैं तो हम क्या करेंगे। एक ने कहा, हम तो सीधे पेरिस जाएंगे और खूब मजे करेंगे। दूसरे ने कहा, मैं किसी लाभप्रद कारोबार में रुपया लगाऊंगा। तीसरा बोला, मैं तो फिर सोने की कोशिश करूंगा और तब तक सोता रहूंगा जब तक करोड़पति न बन जाऊं। 6. भूत, वर्तमान और भविष्य से तुम क्या समझते हो? जी, मेरे दादाजी भूत, मेरे पिताजी वर्तमान और मैं उनका भविष्य हूं। 7. प्रश्न, रेल किराया इतना अधिक बढ़ जाने पर भी यात्रियों की संख्या में वृद्धि हो रही है, इसका कारण बताइए। उत्तर, इसका कारण यह है कि हर एक आदमी यही सोचता है कि अगले साल किराया और बढ़ जाएगा, इसलिए अभी यात्रा ही कर ली जाए। 8. शिक्षक ने सभी छात्रों को घास खाती हुई गाय का चित्र बनाने को कहा। सभी छात्र चित्र बना रहे थे। कल्पेश ने अपना पन्ना कोरा छोड़ दिया। शिक्षक बोले, कल्पेश, इस चित्र में घास कहाँ है? कल्पेश, घास तो गाय खा गई। शिक्षक, अच्छा तो गाय कहाँ है? कल्पेश, वह तो घास खाकर चली गई। 9. चुन्नू ने कहा, मम्मी से ज्यादा मुझे पापा का चाटा पसंद है। दूसरे ने कहा, क्यों? चुन्नू बोला, क्योंकि पापा प्रति चाटा 5 रुपए देते हैं। चूहा हाथी के पास गया और बोला, हाथी दादा, क्या आप मुझे आपकी लुंगी 2 दिन के लिए दोगे? तुम उसका क्या करोगे? मेरे बेटे की शादी है, उसमें तंबू लगाना है। उसे देखो, पता नहीं लोग महीनों बिना नहाए कैसे रहते हैं। मुझे तो 28वें दिन ही खुजली होने लगती है। आपके पास टूथब्रश है? ब्रश नहीं है, पेस्ट है। अच्छा, आपके पास पाउडर होगा? पाउडर नहीं है, क्रीम है। क्रीम नहीं चाहिए, टॉर्च मिलेगी? वह तो कल ही खत्म हो गई, मोमबत्ती है। खैर, ताला तो होना ही चाहिए। हैं? दू? जी नहीं, उसे अपनी दुकान पर लगाकर आप घर पर आराम कीजिए। अरे यार, मुझे ये बताओ, जहाँ ज्यादा बारिश होती है वहाँ क्या पाया जाता है? हाँ, छाता। तीन दोस्त आपस में गपशप कर रहे थे। प्रश्न हुआ कि किसी दिन सोकर उठने पर हमको यह पता चले कि हम लखपति बन गए हैं तो हम क्या करेंगे। हम तो सीधे पेरिस जाएंगे और खूब मजे करेंगे। मैं किसी लाभप्रद कारोबार में रुपया लगाऊंगा। मैं तो फिर सोने की कोशिश करूंगा और तब तक सोता रहूंगा जब तक करोड़पति न बन जाऊं। अरे मुन्नो, भूत, वर्तमान और भविष्य से तुम क्या समझते हो? अरे सीधी बात है जी, मेरे दादाजी भूत, मेरे पिताजी वर्तमान और मैं उनका भविष्य हूँ। रेल किराया इतना अधिक बढ़ जाने पर भी यात्रियों की संख्या में वृद्धि हो रही है, इसका कारण बताइए। इसका कारण यह है कि हर एक आदमी यही सोचता है कि अगले साल किराया और बढ़ जाएगा, इसीलिए अभी यात्रा कर ली जाए। शिक्षक ने सभी छात्रों को घास खाती हुई गाय का चित्र बनाने को कहा। सभी छात्र चित्र बना रहे थे। कल्पेश ने अपना पन्ना खाली छोड़ दिया। चलो छात्रों, आज हम घास खाती हुई गाय का चित्र बनाएंगे। कल्पेश, इस चित्र में घास कहाँ है? सर, घास तो गाय खा गई। अच्छा, तो गाय कहाँ है? वह तो घास खाकर चली गई। अरे यार, आज तो मम्मी ने मुझे चाटा मारा।
मुझे तो मम्मी से ज्यादा पापा का चाटा पसंद है। क्यों? क्योंकि पापा प्रति चाटा 5 रुपए देते हैं।